हाय, एनसीईआरटीज को यूपीएससी प्रिपरेशन का बेस माना गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी से भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप पहले अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर लें और उसके बाद फिर आप आगे की तैयारी कर सकें। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वाई एनसीईआरटीज। सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अन एकेडमी, और आप मेरे हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग, स्ट्रैटेजी, इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज मेरी प्रोफाइल पे एग्जिस्ट करते हैं, आप वहाँ से डेफिनेटली एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप अब तक अन एकेडमी पर नहीं हैं तो यूज़ दिस कोड TT100 ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। इस तैयारी में हम बात करने वाले हैं आर पास्ट 3 एनसीईआरटी क्लास 8 है, और इसमें हम बात करेंगे जो है जो 10 चैप्टर हैं, पहले हम ये कवर करेंगे। हम बात करेंगे हाउ व्हेन वेयर जो है ट्रेड, एक ट्रेडिंग कंपनी किस तरह टेरिटरी ऑक्यूपाई करने लगी, किस तरह यू नो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हुआ है, देन उनका रूल किस तरह आगे बढ़ा ये बात करेंगे। फिर बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं, डैट इंक्लूड ट्राइबल रिवोल्ट एंड ऑल, राइट? तो क्यों रिवोल्ट हुआ, क्या हुआ, समथिंग ये सारा डिस्कशन करेंगे। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट वेरियस जो है ऑक्यूपेशन, किस तरह से फैक्ट्रीज आई, किस तरह से जो है यू कैन से बिजनेस वापस ग्रो हुआ है, राइट? देन उनकी पॉलिसीज वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह का डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे वुमेन की, हम बात करेंगे कास्ट की, हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्म की, प्लस ये जो हम जैसे नेशनल मूवमेंट कहते हैं 1870 से 1947, इसका डिस्कशन करेंगे इस जो है बुक में। एंड देन हम जो है लास्ट में बात करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की। साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे जो है आपकी ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री विच इज़ पार्ट 3, ये क्लास 12 की किताब है, और इसमें हम जानेंगे जो है सबसे पहले कॉलोनियलिज्म एंड दी कंट्री साइड, राइट? कि किस तरह से यू नो ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहता है या उनका व्यू क्या कहता है। देन हम बात करेंगे रिबल्स एंड द राज की, फिर हम ये चैप्टर कवर करेंगे कॉलोनियल सिटीज़, देन महात्मा गांधी और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट, ये हमारा अगला टॉपिक है। हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन की, पार्टीशन हुआ ही क्योंकि भारत का विभाजन क्यों जो है इनएविटेबल सा हो गया था, या क्या उस समय सरकमस्टांसेस थे, सिनेरियोस थे, और फिर हमारा संविधान कैसे बना फाइनल, तो फ्रेमिंग ऑफ दी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, राइट? तो ये हमारा ओवरऑल जो है प्रोग्राम होने वाला है इन दिस कोर्स, राइट? जिस हम ये दोनों एनसीईआरटीज डिटेल में पूरी समरी के साथ जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे बाकी कोर्सेज के लिए, मैं डिटेल में मॉडर्न इंडिया भी पढ़ाता हूँ, एंशिएंट इंडिया है, आर्ट एंड कल्चर है, मेडिवल है, तो ये सारे कोर्सेज मेरी प्रोफाइल पे हैं। इनके साथ जो पीडीएफ है वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्टिव है, आप सिर्फ उसको फॉलो करेंगे तो काम चल जाएगा। जो मेरी कहानी है उसमें माइंड मैप्स हैं, टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है, राइट, एंड मैप्स है, ज्योग्राफी है, राइट? ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके मैंने इन कोर्सेज को पढ़ाया है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये कोर्स जो एनसीईआरटी का मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ये कोड यूज़ करें TT100 अगर आप अब तक प्लस पे नहीं हैं। अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हैं तो डेफिनेटली जो है यू नो क्लासेस में आइए, और वहाँ पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तो सी यू इन द क्लासेस।